छोटी, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें आवश्यकता है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज आज के ज्ञान की आखिरी एक मिनट, चाहे हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें आवश्यकता है अपनी क्षमता पहचानने की और अपनी सोच और दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की। खुद को कम ना समझे और अपनी क्षमताओं को सीमित ना करें, बाज बने और जीवन में ऊंची उड़ान भरे। क्या मतलब सर? एक बार की बात है, एक बाज का एक बच्चा खो जाता है, फिर रह जाता है, तो खो जाने के कारण एक चिड़िया उसको अपने साथ घोंसले में ले जाती है। बाज का बच्चा चिड़िया के बच्चों के साथ बड़ा होता है, फाइनली उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं के रंग में रंग जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे बच्चे उड़ना सीखते हैं। आपको पता है कि अगर हम बात करें लाइक चिड़िया के बच्चे, या उनमें उतनी क्षमता नहीं होती जितने बाज के बच्चों में होती है, लेकिन चिड़िया के बच्चे या मुर्गी के बच्चों के साथ रहने के कारण बाज भी अपने आप को उन्हीं की तरह मानने लगता है। तो होता क्या है, जब उड़ने की बारी आती है तो बाज उतना ही उड़ पाता है जितने वो लोग उड़ पाते हैं, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि उसकी क्षमता क्या है, वो क्या कर सकता है। बात समझ आ रही है? तो कई बार आप समझिए, फिर उसको बाकी लोग इतना प्रेशराइज कर देते हैं, बाकी साथ के जो बच्चे हैं वो इतना प्रेशर, तुम जितना हो उतना ही उड़ो, तो वो बच्चा बाज जो है अपने जीवन भर उतनी ऊंचाई नहीं भर पाता, उतनी ऊंचाई नहीं उड़ पाता जो उसकी क्षमताएं थी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे ऐसे एनवायरमेंट से गिरे होते हैं जहां पर हमें बार बार तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम कैसे आईआईटी कर लोगे, तुम कैसे नीट पास कर लोगे, तुम तो उस एग्जाम के लायक ही नहीं हो, इस प्रकार बोला जाता होगा, या आप सुन लेते होंगे। कई बार क्वेश्चन करते वक्त ऐसे मन में आता होगा, नहीं आप अपनी क्षमताओं को पहचाने, नहीं मैं सीखूंगा, मैं अप्लाई करूंगा और मैं उस लेवल पर जाऊंगा जहां पर बेस्ट है। इसलिए अपनी कैसी भी परिस्थिति में देखिए, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अपनी क्षमताओं को पहचानिए। याद करो जब जामन जी ने हनुमान जी को याद रहती उनकी क्षमता, और उन्होंने पूरी की पूरी लंका जाकर क्या किया था, ध्यान है पूरा उस समुद्र को पार कर दिया था, केवल आपको जरूरत है उस क्षमता को पहचानने की। अब बात समझिए, आपके जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी क्षमता को पहचाने, काम करें, मेहनत करें, हो सकता है कि आप उससे बहुत परे जाकर वो सब कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप हमेशा अपने अंदर उन पॉजिटिविटी को लेकर आए जो आपके जीवन में आपको आगे लेकर जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन्हीं के साथ बाय, टेक केयर, शुभरात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, कोरोना से बच कर रहे हैं, मास्क लगा कर रहे हैं, और चार लोग की इज्जत करते हैं, माता जी, पिताजी, गुरु जी, गाय माता जी, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल।